अभ्यर्थी बोल रहे हैं सर। हाँ सर, शिक्षक बहाली में सर छठे चरण अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, सातवें चरण कब तक आएगा सर? हो जाएगा, जो बचा हुआ इसका हो जाएगा, कुछ दिन, तीन चार दिन, पांच दिन निकल जाएगा सर। तो संजय सर बोल रहे हैं 4 महीना लगेगा सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। नहीं वो उसका ना, ये जो बचा हुआ इस चरण का, कुछ बचा हुआ जहाँ नहीं हुआ वो 2-3 दिन में हो जाएगा। कब तक नोटिफिकेशन आएगा सर? हम बस 2-3 दिन में पंचायत से कुछ पूछे हैं, पंचायत के कुछ में जवाब आ जाएगा उसका निकाल देंगे। जी बिल्कुल सर, जल्दी निकाल दीजिए, बहुत परेशान हुआ है जो पता हुआ है। जी आशा सातवें चरण कब तक आने निकलेगा? उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो हेलो हेलो, प्रणाम सर। हाँ सर, हम दिसंबर सीटेट जनरल सीटेट अभ्यर्थी बोल रहे हैं सर। हाँ सर, शिक्षक बहाली में सर छठे चरण अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, सातवें चरण कब तक आएगा सर? हो जाएगा, जो बचा हुआ इसका हो जाएगा, कुछ दिन, तीन चार दिन, पांच दिन निकल जाएगा सर। तो संजय सर बोल रहे हैं 4 महीना लगेगा सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। नहीं वो उसका ना, ये जो बचा हुआ इस चरण का, कुछ बचा हुआ जहाँ नहीं हुआ वो 2-3 दिन में हो जाएगा। कब तक नोटिफिकेशन आएगा सर? हम बस 2-3 दिन में पंचायत से कुछ पूछे हैं, पंचायत के कुछ में जवाब आ जाएगा उसका निकाल देंगे। जी बिल्कुल सर, जल्दी निकाल दीजिए, बहुत परेशान हुआ है, जो पता हुआ है। जी आशा सातवें चरण कब तक आने निकलेगा? उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। ओके सर, थैंक। हेलो प्रणाम सर। हाँ सर, हम दिसंबर सीटेट जनरल सीटेट अभ्यर्थी बोल रहे हैं सर। हाँ सर, शिक्षक बहाली में सर छठे चरण अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, सातवें चरण कब तक आएगा सर? हो जाएगा, जो बचा हुआ इसका हो जाएगा, कुछ दिन, तीन चार दिन, पांच दिन निकल जाएगा सर। तो संजय सर बोल रहे हैं 4 महीना लगेगा सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। नहीं वो उसका ना, ये जो बचा हुआ इस चरण का, कुछ बचा हुआ जहाँ नहीं हुआ वो 2-3 दिन में हो जाएगा। कब तक नोटिफिकेशन आएगा सर? हम
दो तीन दिन में पंचायत से कुछ पूछे हैं, पंचायत से कुछ में जवाब आ जाएगा, उसको निकाल देंगे। जी जी बिल्कुल सर, जल्दी निकाल दीजिए, बहुत परेशान हुआ है, जो पटा हुआ है। जी आशा सातवें चरण कब तक आएंगे? दो तीन दिन में पंचायत से कुछ पूछे हैं, पंचायत से कुछ में जवाब आ जाएगा, उसको निकाल देंगे। जी जी बिल्कुल सर, जल्दी निकाल दीजिए, बहुत परेशान हुआ है, जो पटा हुआ है। जी आशा सातवें चरण कब तक आएंगे? उसके बाद कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद किया था कि मैं DG1 में हूँ या DG2 में हूँ। तो अभी पिछला वर्ग या पिछला वर्ग किस गलती आवाज नहीं आ रहा सर, करें ये तो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग तो तय है ना। हाँ पहले सर हम लोग जैसे बढ़ाई में आते हैं सर, तो हम लोग पहले थे 2016 या 15 में सर, CBC में, मतलब BC में थे सर, BC वर्ग को बताया सर, फिर बाद में हम लोग को 2016 के बाद सर EBC में चेंज किया गया, और जब हम बनवाए 2019 में बना हुआ सर। क्या सर पढ़ाई सर, तो पहले EBC में आने के पहले लिखे थे।